दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वाले यार मानने को तैयार नहीं है, विंडोज 10 या फिर 11 यूज करो एक और नई प्रॉब्लम आए जाए वाली बात हो गई है। मतलब कभी यार चलता है ये, इतना हो गया इस बार तो भाई लिनक्स की बैंड बजाई है। मतलब लिनक्स को पकड़ा है माइक्रोसॉफ्ट ने और चाटे चाटे। मतलब हुआ क्या यार, अगर आप लिनक्स यूजर हो ना शायद आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, और ये जस्ट भाई इन्होंने नया अपडेट दिया है सिक्योर बूट का बेसिकली, और उसकी गड़बड़ी अड़बड़ी के कारण भाई यहां तक सिचुएशन पहुंच गई है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लिनक्स यूजर है काफी तगड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बाकी फिक्स भी बताने वाला हूं, और ये चीज तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले आज यार मूड में है, लग रहा है रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया निकालते रहेंगे। बाकी हुआ क्या है, बाकी दोस्तों अगर स्टार्टिंग से बात करो सबसे पहले तो ये एक्सीडेंटली हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले इंटेंशनली नहीं है कि ऐसे विंडोज के अंदर से लिनक्स को एकदम, मतलब आपका पीसी है ना अगेन तो उस पे आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो वो कर सकते हो, बट ये एक घपला और एक मिस्टेक हो गई है। बाकी अगेन इन्होंने अपडेट जो था विंडोज 10 और 11 दोनों को दिया था और मोस्टली केसेस में वहां पे दिख रहा है। प्रॉब्लम हुई क्या है दोस्तों, ड्यूल बूट में प्रॉब्लम हो गई। अगर किसी भाई को नहीं पता हमने वीडियोस बना रखी है बटन पे देख सकते हो, आप अपने पीसी में चाहो जैसे ये पीसी पीछे लगा हुआ है इसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हो यस इंस्टॉल। फिर आपका पीसी जब भी स्टार्ट होगा ना तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप विंडो यूज करना चाहते हो, एंड्रॉइड हो गया या फिर लिनक्स हो गया, ऐसे वो ऑप्शन आ जाएगा। बूट लोडर करके कुछ चीजें होती है, ये सब चीजें सेटअप हो जाती है, और उसके बाद आप चाहो तो एक ही पीसी के ऊपर भाई विंडोज और लिनक्स दोनों को यूज कर सकते हो, इवन लैपटॉप पे भी ये चीज वर्क करती है। अब इन्होंने जो अपडेट दिया ना उससे एक प्रॉब्लम हो गई है ये ड्यूल बूट में, और कुछ एरर इस तरीके का आ रहा है आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अगेन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आएगा अगर आप यार लिनक्स को ड्यूल बूट पे रखते हो और उसके अंदर बूट करने की कोशिश करते हो आफ्टर दिस अपडेट, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। बाकी अगर यार इफेक्टेड वर्जन के बारे में पूछोगे तो यहां पे यार चार वर्जन देखने को दिखे हैं। सबसे पहले अपना ज़ोरिन ओएस आ जाता है, यूबंटू भी आपको दिख जाएगा, लिनक्स मिंट भी है, एंड डेबियन बेस, और इवन यार और के अंदर भी आपको ये इशू दिख सकता है। बाकी विंडोज 10 और 11 दोनों पे ये अपडेट यार पुश करा गया था। बेसिकली भाई सिक्योर बूट जो अपना ऑप्शन है ना उसके लिए बेसिकली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, क्योंकि हो सकता है यार कुछ बैड पीपल, गंदे लोग बिल्कुल यार दूर रहे, तो वो लोग जो होते हैं ना वो यार इसके थ्रू कहीं आपके पीसी में अटैक ना कर दे। यस बाय यूजिंग यार सिक्योर बूट का कुछ वल्नरेबिलिटी ये सब चीजें थी, तो इसको फिक्स करने गए ये लोग, और सोचो अपडेट दे दिया और उसका सीधे असर पड़ गया भाई ड्यूल बूट में। कोई पर्पस नहीं था, अगेन मैंने जैसा बताया एक्सीडेंटली ये चीज हुई, बट सोच के देखो भाई माइक्रोसॉफ्ट वाले भी यार कॉमेडी टाइप हरकत करते रहते हैं, मानते नहीं है। मतलब अपडेट दिया उससे कुछ और चीज बंद हो गई, और लिनक्स भी देखा जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है सिस्टम है। अगेन विंडोज के साथ अगर देखोगे बहुत लोग, शायद स्टूडेंट्स के हिसाब से भी अगर बताऊं तो आप में से भी काफी लोग यार शायद विंडोज के साथ लिनक्स को ड्यूल बूट में यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे ये एरर अब देखने को दिख रहा है। पर वही है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होकर कोई फायदा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाले ऐसी चीजें करते रहते हैं, रेगुलर हो चुका है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ फिक्स जरूर हो जाएगा जैसे ही, यानी मेरे को लगता है हफ्ते भर के अंदर ही हो जाना चाहिए, शायद अभी तक हो भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल चेक कर लेना एक बार। वरना अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि काफी लोग लिनक्स यार यूज करते हैं तो रहता है ना, तो यहाँ पे आपके साथ बेस्ट यही है कि सिक्योर बूट को आप डिसेबल कर दो और उसके बाद अपने लिनक्स में जाओ तो वहां पे काम आपका आसान हो जाएगा। बाकी कंप्लीट स्टेप जो है वो हम लोग अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो अगर लिनक्स यूजर हो। ये तो यार चीजें चलती रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ ना कुछ ये अटपटा चटपटा करते रहते हैं, माहौल गर्मा गर्म रखते हैं, तारीफें चलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से यार लिनक्स भी आप यूज कर सकते हो, अगर अभी तक यूज नहीं कर रहे थे। अब मेरे से भी पूछोगे तो मेरा पर्सनली फेवरेट ज़ोरिन ओएस है, काफी मेरे को पसंद, उसका इंटरफेस इज सुपर कूल भाई, प्रो वर्जन भी उसका काफी अच्छा है, बट नॉर्मल भी आपका सारा काम कर देगा, इवन ओल्ड पीसी पे भी चल जाता है, और इंटरफेस इज नॉट जस्ट यार उसके ऊपर आप गेम्स वेम्स भी खेल सकते हो, मतलब बहुत हद तक गेम्स आप आराम से खेल सकते हो। बाकी हीरोइक लॉन्चर तो है ही अपना यार लिनक्स के, आपको मोस्ट वर्जन पे दिख जाता है, और उसके थ्रू आप एक तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के पीसी के हाई एंड ट्रिपल ए टाइटल गेम, इवन लाइक हमने कंट्रोल वंट्रोल खेली थी, आराम से ज़ोरिन ओएस में खेल सकते हो। नॉट जस्ट दोस्तों ज़ोरिन ओएस, इसके अलावा ज़ोरिन के अलावा मेरे को यूबंटू भी काफी पसंद है, और सेम वहां पे भी आप चाहो तो गेमिंग वेमिंग आराम से कर सकते हो, यूबंटू का इंटरफेस और वर्ल्ड वाइड भी काफी पॉपुलर है। इसके अलावा काले लिनक्स भी अपना काफी यार फेवरेट वर्जन से एक आता है, और ऐसे बहुत सारे वर्जन है, हमने वीडियोस भी बना रखी है, लास्ट हमने यार डेबियन वाला ट्राई करा था, याद होगा आप, डिपिन 23 करके कुछ था और उसके ऊपर आई बटन पे वीडियो देख सकते, उसका भी इंटरफेस सुपर कूल था। अगेन भाई लिनक्स वाले काम तो तगड़ा कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वाले भी जानते हैं और ओपन सोर्स है लिनक्स, इस कारण आप देखोगे विंडोज में भी काफी हद तक काफी जगह पे आपको इंटीग्रिटी दिख जाता है, तो ये सब चीजें चलती है। अगर यहाँ ये अपडेट का सिलसिला बेकार ही कर दिया। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे यार टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई यार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।